बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शादोआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करती हूँ शुरू। और आपकी आंटी आ गई हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और आज आंटी आई हैं और यहाँ का मौसम जो है वो कल से फिर से बारिश हो रही है और ठंड हो गई है। इतनी गर्मी थी दो दिन पहले, इतनी गर्मी थी और कल से इतनी ठंड शुरू हो गई है। दोबारा से सब जैकेट्स और सब मोटे कपड़े वगैरह शुरू हो गए हैं। दो दिन में मौसम का दो मिनट में पता ही नहीं चलता। क्या आपके भी जिधर जिधर रहते हैं ऐसे ही हैं? हांगकांग में जो रहते हैं वो तो सेम मेरे से बोलेंगे कि आंटी ठीक कह रही हैं, सेम ही है। आज भी बादल हो रहे हैं, सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल से स्टार्ट थी, अभी कुछ देर बारिश रुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वीडियो बना लूं। आपके अंकल जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब उनके लिए दुआ करें। उनको बस जब से ये बीमार हुए हैं तब से थोड़ा ठीक नहीं हो रहे, अभी भी वो मेडिसिन लेके लेटे हुए थे। तो फिर मैं आ गई आपके लिए वीडियो बनाने। आप सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सब ने जैकेट्स पहन ली हैं और इनको तो गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है और सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। अभी सर्दी का नाम भी नहीं आता तो जैकेट्स पहन लेते हैं और गर्मी स्टार्ट नहीं होती तो ये क्या बताऊँ। अभी मैं कुछ और ही बोलने लगी थी और ये बस गर्मियों वाले कपड़े पहन लेते हैं। आप देख सकते हैं सब ने जैकेट्स पहनी है और सबको बहुत ठंड लग रही है, इतनी है नहीं है, इनको देख के ज़्यादा हो जाती है। जी व्यूअर्स, आपके अंकल कह रहे थे मैं बाद में आऊँगा। और वैसे भी आजकल ना वो 24 घंटे पाकिस्तान की न्यूज़ देखते रहते हैं और वक्त वही इमरान खान की बातें और वो क्या हो रहा है मुल्क में, कौन जा रहा है कौन आ रहा है वही सुनते रहते हैं। उसमें बिजी भी हैं, ज़्यादा बिजी हैं वो न्यूज़ रहते हैं हांगकांग में हैं, न्यूज़ पाकिस्तान की सुनते हैं वो, हर वक्त सुनते हैं। लेकिन वो रात तक सुनेंगे, मैं बोलूँगी क्या हो गया, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, देखें सब इन्होंने बच्चे इतना इधर खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे, इन्होंने वो बंद कर दिया। ये उन्होंने जो एक्सरसाइज के लिए ये देखें बनाई हुई हैं बैठ के, बूढ़े लोग जो हैं जवान बूढ़े, इस नीचे भी है वो भी है, पाँव के साथ हाथ के साथ इसको चलाएं साइकिल की तरह, ये भी बंद, हर चीज़ उन्होंने बंद की। आपको ये मैं दिखाती हूँ, देखें ये वॉक के लिए उन्होंने बनाया है, ये देखें पैरों में इन्होंने क्या लगाया है, ये सारा एक्सरसाइज के लिए बनाया है। जो हमारे पाकिस्तान में वो ऐसे क्या बोलते हैं जो लाइनों में वो डालते नहीं हैं पत्थर से रोड़ी सी, वो है सारे, वो इतने सख्त हैं वो, सारे कहते हैं ऊपर चलो और आपके पैरों का टांगों का खून चले। इधर वैसे इधर एक कदम नहीं चला जाता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के चलते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सारे। मैंने एक दफ़ा ट्राई की है लेकिन एक कदम भी नहीं चला जाता, बहुत सख्त है, चुभते हैं बड़े, रोड़े हैं रोड़े, जो हम लोग बोलते हैं ना पंजाबी में रोड़े रोड़े, पत्थर स्टोन। किस किस ने इन पत्थरों पे एक्सरसाइज की है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जी व्यूअर्स, शुक्र है अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, बादल तो बहुत हैं लेकिन थोड़ा मैं भी आज़ादी से फिर रही हूँ, नहीं तो वो छाता लेना पड़ता है, छाता बहुत मुश्किल है पकड़ना। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये परिंदे, मैं इतनी नज़दीक बैठी हूँ लेकिन ये देखें हमारे पास ही ऐसे दाना चुग रहे हैं या ऐसे ही फिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनको कोई पकड़ता नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाता, इसलिए इनको डर नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में एक सेकंड भी नहीं पास कोई परिंदा ठहर सकता, आपने नोट किया कभी? ये हमारे पास पास ऐसे फिरते रहते हैं, वहाँ आप पास परिंदे के पास जाओ पुड़ करके उड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पकड़ लेते हैं ना चिड़िया वगैरह को, हर चीज़ को तो वो पकड़ लेते हैं। ये भी डर है, इनको कोई नहीं हाथ लगा सकता, यहाँ तक कि वो इनको कुछ हमें डालने भी नहीं देते दाना वगैरह, मतलब कहते ऐसे नहीं डालो जिधर मर्जी। व्यूअर्स, मेरे बैग में मैंने ना थोड़े से कच्चे चावल रखे हुए थे
इनके लिए कि कहीं ऐसे नज़र आए तो मैं डालूँ। अभी मैंने थोड़े से इनको डाले हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग, उसी वक्त इन्हें पता चल जाता है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। देखें अभी आएंगे और भी हम, माशाल्लाह कोई ऐसी सीटी ऐसी मारते हैं सब आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं कितने आएंगे। जी वीवर, हमने भी मोटे कपड़े पहन लिए हुए हैं और जैकेट वगैरह तो नहीं पहनी, लेकिन मैंने तो सारे ही कपड़े जो है ना वो सर्दियों वाले उठा दिए थे, गर्मियों वाले रख लिए थे लेकिन क्या पता था इधर क्या माजरा हो जाएगा, ठंड शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं, जैसा कि आप मेरी चद्दर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी आंटी ने भी सर्दियों वाले कपड़े पहने हुए हैं। अभी हम जाते हैं मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, और देखते हैं कोई हमें सब्ज़ी पसंद आती है। अगर आती है तो फिर हम लेते हैं कुछ सब्ज़ी और देखेंगे। कल तो रात को तो मैंने बिरयानी बनाई थी और अभी आज कोई सालन वगैरह क्या बनाएंगे कुछ समझ नहीं आती, कुछ खाने को दिल नहीं करता, कोई ऐसी तबीयतें हो गई हुई हैं। और देखते हैं आज क्या लेती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, जो भी सीन हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप जाइएगा नहीं कहीं भी, अब मेरे साथ ही रहना। जी व्यूअर्स, हम अभी इधर से देखते हैं कुछ, या केक लेंगे, केक देखते हैं। ये जैपनीज चॉप है, इसके केक भी बहुत मज़ेदार होते हैं लेकिन इसके प्राइस भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन मज़ेदार है, अच्छे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें और आपको कौन सा पसंद है मुझे बताएं। आइए खाइए, सारे मिलके खाएंगे। अभी मैं देखती हूँ, मुझे लगता है मैं ये वाले पेस्ट्री, ये वाले लूँगी। केक भी है लेकिन मैं पेस्ट्री लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं ना जाता इसलिए। ये देखिए, ये प्राइस है, देखिए एक पेस्ट्री का प्राइस है $42। चले मैं देखती हूँ क्या लेती हूँ। जी व्यूअर, मैंने पेस्ट्रियाँ ले ली हैं और केक ले ली है, तो अभी इधर को आ गई हूँ सब्ज़ी मार्केट की तरफ। अभी हम उस तरफ जाते हैं और मेरी व्हीलचेयर के पीछे बैग लगा हुआ है, और जो भी चीज़ मैं लेती हूँ तो उधर रख लेते हैं बाद में, जो जहाँ से भी चीज़ लेती हूँ शॉपकीपर बैग में डाल देते हैं, इसलिए मुझे बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आज इतना रश नहीं है क्योंकि सब लोग जॉब पे गए हुए हैं और अभी टाइम है 4 बजे हैं और ज़्यादा रश शाम को होता है। हम भी अपना टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, है तो नहीं है, देखिए नॉर्मल है, हमें कोई बुखार नहीं है। जी व्यूअर्स, मैं गई थी नीचे अपने प्लाजे में, सॉरी सब्ज़ी मार्केट गई थी, मैंने कहा चले कोई चीज़ लेती हूँ जो नहीं है घर में, तो उन्होंने उधर आग लगाई हुई है। आग कौन सी वाली आग, वो वाली नहीं जो आग वाली है, आग लगाई है महंगाई की। तो मैंने कहा मैं तो दूँ तेरे तमाम लोगों से लूँगी इतनी महंगी चीज़ें, मैं अभी जाती हूँ साथ वाली मार्केट में, मुझे लगता है साथ वाली मार्केट फिर भी इधर से अच्छी है। ये तो पता नहीं क्या हो गया हमारी मार्केट को। अभी हम चलते हैं साथ वाले मार्केट में, साथ ही है पिछला प्लाजा। ये देखे गाइस, पास से ट्रेन गुजरी है, कोई गेट नहीं लगा, कोई फाटक नहीं लगा, लेकिन कोई नहीं गुजरेगा। अभी सिग्नल आ गया, अभी गुजरेगा। जी गाइस, आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ दूसरी मार्केट में, साथ वाले प्लाजे वाली मार्केट है, इधर थोड़ी चीज़ें सस्ती हैं, देखते हैं। ठीक है, इधर भी सारी चीज़ है।
गाइस हमने इधर से ले लिए हैं आलू, ये पहले सारे $5-5 के थे, अभी इन लोगों ने लगा दिया $10-10। महंगाई तो इस तरह भी है ये एटलीस्ट। चलें अभी और देख लेते हैं सब्जी क्या लेंगी। गोभी देख लीजिए, गोभी आप देख सकते हैं हर तरफ सब्जी ही सब्जी है। ये लोग हमारी तरह पकाते भी नहीं है, लेकिन पता नहीं देखे सब लेके जाएंगे सब कुछ। जी व्यूअर्स, मैं सब्जी मार्केट से आ गई हूँ। मैंने गोभी भी ले ली थी, सब्ज धनिया भी ले लिया था, फिर मैं आई थी इधर स्टोर में, उधर से फिर मैंने ऐसे ही कोई केचप कोई इस तरह की चीज़ें जो चाहिए थी। बच्चे आते हैं ना जब, फिर कोई चीज़ नहीं होती फ्रिज में, नहीं मिलती, इसलिए फिर मैंने उनके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली हैं। और मैं जा रही हूँ अभी वापस, देखती हूँ किधर जाती हूँ, और मेरे साथ रहिएगा, जिधर जिधर आंटी जाएंगी आपको ले कर जाएंगे। ओके, जाइएगा नहीं कहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज सॉरी कर रहा हूँ, आज शेर की भी कोई तैयारी नहीं है कि आज से... आपके अंकल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, किडनी पेन वो हो रही है उनको कल से। आप दुआ करें, अल्लाह पाक रहम करे, बहुत दर्द हो रही है और चैन भी नहीं है ना बैठने के। कहते हैं खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, सही से चला नहीं जा रहा। अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, कल भी गए थे, लेकिन अभी फिर कहते हैं मैं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सुकून नहीं है, तो अभी फिर कह रहे थे चले मैं वीवर से सलाम ले लेता हूँ। और वीवर दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह पाक रहम करे, और बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। जी वीवर्स, चलें इसी के साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, आपके अंकल के देखती हूँ बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाने को, तो देखती हूँ हो सकता है मुझे साथ जाना पड़े या क्या प्रोग्राम है। ठीक है, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और आंटी के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें। आज अंकल में ताकत नहीं है इसलिए वो बोल नहीं रहे, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।